ऑल राइट, तो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पे हनी पाजी के बारे में। तो इनका जो एक ट्रैक आया था ढीट, एंड इस गाने को आए हुए पूरे पूरे 10 दिन जो है कम्प्लीटली हो गए हैं। और यहाँ पे अगर बात कर ले व्यूज़ के बारे में तो 1.9 करोड़ जो है व्यूज़ कम्प्लीटली हो गए हैं, और अभी जो है यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में नंबर 4 में जो है अभी भी ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर अगर बात कर ले पे लाइक्स के बारे में तो 16 लाख लाइक जो है कम्प्लीटली हो गए हैं। वहीं पर अगर बात कर ले कमेंट्स के बारे में तो 1.3 लाख जो है कमेंट्स भी कम्प्लीटली हो गए हैं। बाकी के तुम मुझे कमेंट करके बताना यार हनी पाजी का जो अभी रिसेंटली ट्रैक आया ढीट, ये तुमको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बता। ऑल राइट, तो बात करते कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा की तरफ से अभी अभी जो हमें एक ट्रैक देखने को मिला, ट्रैक का नाम है वाना के नाउ। एंड भाई ये जो ट्रैक है मुझे अच्छा लगा। बाकी यार तुम सुन के बताना, अगर तुमने अगर सुन लिया है तो भी मुझे कमेंट करके बताना ये ट्रैक तुमको कैसा लगा। वेल यहाँ पे साथ ही साथ तो और एक चीज बताना चाहूंगा, देखो यार इस ट्रैक को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे हुए हैं और अभी जो यार यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में नंबर 24 में ट्रेंड कर रहा है। वेल यहाँ पे अगर बात कर ले यहाँ पे जो है कमेंट्स के बारे में तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4,500 कुछ जो है कमेंट हुए हैं। वहीं पर अगर बात कर ले यहाँ पे जो है लाइक्स के बारे में तो 62,000 जो है लाइक्स कम्प्लीटली हो गए हैं 7 घंटे में। तो अगर तुमने नहीं सुना है तो जाके एक बार जरूर से सुनना। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो है MTV हसल 03 के बारे में। तो यहाँ पे जो एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है केंदन शर्मा, तो इनका एक ट्रैक आया था 6 दिन पहले, यानी कि भाई यहाँ पे जो है तुम लिटरली यकीन नहीं करोगे यहाँ पे 21 लाख जो है व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में। वहीं पर अगर बात करें लाइक्स के बारे में तो 1.3 लाख जो है लाइक्स कंप्लीटली हो गए हैं। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे कमेंट्स के बारे में तो 3,500 कुछ जो है कमेंट कंप्लीटली हो गए हैं। वाल देखो यार मुझे पता है कि तुमने ऑलरेडी सुन रखा होगा, बाकी अगर तुमने नहीं भी सुना हो ना तो भाई जाके एक बार जरूर सुनना। ये मतलब ये वाला ट्रैक है ना भाई, मतलब मैं ही मैं, तो ये मतलब लिरिक्स जो है ना भाई, मतलब सही में बता रहा हूँ। वेल तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड अगर तुमको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए।